दिखावे की कीमत। एक बहुत ही सुंदर हरा भरा वन था और वन के एक किनारे पर सुरम्य सरोवर था। उस सरोवर में बहुत से हंस रहते थे। उन हंसों के राजा का नाम हंसराज था। वन में भी बहुत से पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक था कान काक्ष नाम का उल्लू। उस उल्लू और हंसराज की प्रगाढ़ मित्रता थी। उल्लू ने भी हंसराज से कह रखा था कि वह उल्लुओं का राजा है, जबकि ऐसा था नहीं। अतः उसके मन में सदैव यह विचार रहता था कि वह कुछ ऐसा करे कि हंसराज को विश्वास हो जाए कि वह वास्तव में राजा है। उल्लू वन में एक वृक्ष के कोटर में रहता था। एक दिन उस पेड़ के पास राज्य के सैनिकों ने खेमा गाढ़ा। उनके राजसी ठाट बाट को देखकर उल्लू दंग रह गया और उसने यही उचित अवसर समझा। उसके मन में था कि हंसराज को यहाँ लाकर ऐसा दर्शाऊं कि जैसे ये मेरे ही आदमी हैं। हंसराज मेरा वैभव देखकर अवश्य प्रभावित हो जाएगा, इसलिए कनकाक्ष हंसराज को बुलाने चल दिया। उल्लू जब सरोवर के किनारे पहुंचा तो हंसराज अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था। जब उसने कनकाक्ष को देखा तो किनारे आकर बोला, कहो मित्र कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक शिकायत है। मैं तुमसे मिलने रोज यहाँ आता हूँ, पर तुम्हें कभी अपने घर नहीं ले जाता। कनकाक्ष कुछ देर तो चुप रहा, फिर आगे बोला, यदि तुम मुझे अपना सच्चा मित्र समझते हो तो तुम्हें आज ही मेरे घर चलना होगा। इस तरह कनकाक्ष जबरदस्ती हंसराज को अपने घर की ओर ले चला। वन में आकर दोनों उस वृक्ष पर बैठ गए जिस पर राज सैनिकों का खेमा गढ़ा था। सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कनकाक्ष गर्वोन्मत्त स्वर में बोला, ये सब मेरे आदमी हैं, मेरे प्रति बहुत ही निष्ठावान हैं, बिना मेरी अनुमति लिए कुछ नहीं करते। अभी उसने अपनी बात पूरी की ही थी कि सैनिक वहां से कूच करने की तैयारी करने लगे। यह देखकर हंसराज बोला, ये तो जाने की तैयारी कर रहे हैं, बिना मेरी अनुमति लिए कैसे जा सकते हैं। कहकर कनकाक्ष मनहूस आवाज में हु हु करने लगा। उल्लू का बोलना अपशकुन माना जाता है, अतः सैनिकों ने रवानगी कुछ देर टाल दी। फिर सैनिकों ने दो तीन बार वहां से कूच करने का प्रयास किया, लेकिन कनकाक्ष ने अपनी मनहूस आवाज निकालकर उन्हें रुकने के लिए विवश कर दिया। उसका तो प्रयास ही यह सिद्ध करना था कि वह इन लोगों का राजा है। इस बार जब सैनिक कूच करने को हुए तो उल्लू फिर हु हु करने लगा। इस बार एक सैनिक को क्रोध आ गया और उसने कमान पर तीर चढ़ाकर उल्लू की ओर छोड़ दिया, लेकिन वह तीर उल्लू को ना लगकर हंस की गर्दन में जा धंसा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उल्लू को अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ, जिसकी वजह से उसकी मित्र की जान चली गई थी। शिक्षा: वास्तविकता छिपाए नहीं छिपती, असली चेहरा तो एक दिन सामने आ ही जाता है। मित्रता में तो वैसे भी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उल्लू यदि अपनी वास्तविकता नहीं छिपाता तो उसे अपने प्रिय मित्र से हाथ नहीं धोना पड़ता। मूर्ख मित्र का संग सदैव हानिकारक होता है।